नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। क्या कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान में वापसी कर पाएगी? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दरार कमेगी? ये तमाम सवाल चुनाव से पहले खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां समीकरण साधने में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां अशोक गहलोत की चर्चा है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की। आपको बता दें कि दोनों एक वक्त में एक ही पार्टी में थे और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री थे, और एक बार फिर से इन दोनों नामों को लेकर के सुर्खियां तेज हो गई हैं। लगातार दोनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त क्या दोनों फिर से साथ आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि जब 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई थी, तब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान थी। लेकिन उस वक्त अशोक गहलोत को सीएम बनते हुए ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर सहमति बन गई थी, लेकिन बाद में इस फॉर्मूले का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से संतुष्ट होना पड़ा। फिर राजस्थान कांग्रेस का जिम्मा पायलट को दिया गया, लेकिन बगावती सुर को देखते हुए सचिन पायलट को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। फिर धीरे धीरे पायलट ने पार्टी और सीएम गहलोत को लेकर अपने सुर और कड़े कर दिए थे। पार्टी आलाकमान को इस बात का डर था कि पायलट भी सिंधिया की तरह पार्टी से बगावत न कर दे। पिछले कुछ दिनों से संगठन महासचिव वेणुगोपाल मीडिया में बयान दे रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। जानकारों की माने तो सचिन पायलट को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर खुश किया जा सकता है, या फिर पायलट को राजस्थान चुनाव प्रभारी बनाकर टिकट बंटवाने में उनकी भूमिकाओं को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे गहलोत खेमा नाखुश हो जाएगा। साथ ही सचिन पायलट के करीबियों को भी संगठन में जिम्मेदारी देकर खुश करने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के फैसले के बाद अशोक गहलोत खेमे की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस को शायद इस बात का अंदाजा है कि चुनाव से पहले गुटबाजी खत्म नहीं की तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो क्या इस बार सचिन पायलट अपनी दावेदारी मजबूत कर पाएंगे या फिर से अशोक गहलोत से चुत हो जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और भी ऐसी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।